बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें विलेन के किरदार के लिए जाना जाता है। इन अभिनेताओं के नेगेटिव किरदारों को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है और यही वजह है कि ये सभी विलेन काफी ज्यादा फेमस हैं और कुछ तो हीरो से भी ज्यादा फेमस हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही खलनायक के नाम बताने जा रहे हैं जो कि लोगों के बीच खासा प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इसमें से कई खलनायक ने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से भी शादी कर ली है। बेशक ही फिल्मों में इन्हें हीरोइन ना मिल पाई हो, लेकिन असल जिंदगी में इन्होंने जानी मानी अभिनेत्रियों से भी शादी कर ली है। इससे पहले कि हम लिस्ट स्टार्ट करें, मैं हूं आकाश। वेलकम यू ऑल, मैं हूं आकाश आपका होस्ट और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले आते हैं डेनी डेंजोगपा और गाबा डेंजोगपा। डेनी 90 के दशक के फेमस विलन हुआ करते थे। इन्होंने कई सारी फिल्मों में दमदार अभिनय भी दिया है। वहीं इनके अभिनय को देखकर सिक्किम की राजकुमारी गावा का दिल इन पर आ गया और गावा ने इनसे शादी भी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे भी हैं। लिस्ट में अगले हैं के मैनन और निवेदिता। के मैनन ने कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है, जबकि इनकी पत्नी एक अभिनेत्री है। के मैनन की पत्नी निवेदिता ने छोटे और बड़े पर्दे पर काम कर रखा है। निवेदिता और के मैनन लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और इन्होंने एक साथ ही अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत भी की। लिस्ट में अगले आते हैं निकितन धीर और कृतिका सेंगर। निर्देशक पंकज धीर के बेटे निकितन धीर ने बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में खूब काम किया हुआ है। इनके नेगेटिव किरदारों के लिए इन्हें कई बार माना भी गया है। वहीं इनकी पत्नी का नाम कृतिका सेंगर, जो कि रानी लक्ष्मीबाई और कसम तेरे प्यार की जैसी सुपरहिट धारावाहिकों में काम कर चुकी है, जबकि निकितन धीर ने मिशन इस्तांबुल, चेन्नई एक्सप्रेस, दंगल 2 और रेडी जैसी कई फिल्मों में विलन का किरदार भी निभाया है। इन दोनों ने साल 2014 में शादी रचाई थी। लिस्ट में अगले आते हैं सोनू सूद और सोनाली। सोनू सूद बेशक ही आज अपने नेक कामों के लिए जाने जाते हों, लेकिन इससे पहले इनकी पहचान एक विलन अभिनेता के तौर पर ही की जाती थी। दरअसल सोनू सूद ने कई सारी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया हुआ है। इन्होंने बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी नेगेटिव किरदार निभाया हुआ है। सोनू सूद ने साल 1996 में सोनाली से शादी की थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। लिस्ट में अगले आते हैं परेश रावल और स्वरूप। परेश रावल ने जब बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो इन्हें नेगेटिव किरदार ही मिला करते थे। इन किरदारों को इन्होंने काफी अच्छे से निभाया और कम समय में ही काफी फेमस हो गए। परेश रावल ने पूर्व मिस इंडिया स्वरूप के साथ विवाह भी किया है। इस विवाह से इन्हें 2 बच्चे भी हैं। परेश रावल की पत्नी स्वरूप संपन्न भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लिस्ट में अगले आते हैं गुलशन ग्रोवर और कशिश ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के जाने माने विलन हैं और इन्होंने लगभग हर फिल्म में नेगेटिव रोल ही किया है। गुलशन ग्रोवर ने अपने जीवन में 2 विवाह किए हैं। इनकी पहली शादी महज 2 साल के अंदर ही टूट गई थी। पहली पत्नी से अलग होने के बाद इन्होंने कशिश ग्रोवर के साथ साल 2001 में फिर शादी कर ली थी। लिस्ट में अगले हैं शक्ति कपूर और शिवांगी। शक्ति कपूर ने खलनायक का किरदार कई फिल्मों में निभा रखा है। हालांकि खलनायक के अलावा ये कॉमेडी की भूमिका में भी नजर आते हैं। इनकी पत्नी का नाम शिवांगी है। शिवांगी ने भी कई सारी फिल्मों में काम कर रखा है। इन दोनों के कुल 2 बच्चे हैं। लिस्ट में अगले आते हैं रेणुका शहाणे और आशुतोष राणा। आशुतोष राणा अपने नेगेटिव किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दुश्मन, संघर्ष, बादल जैसी फिल्मों में विलन का रोल किया और इस फिल्म में निभाए गए इनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं। आशुतोष राणा की पत्नी अभिनेत्री रेणुका हैं। फिल्म हम आपके हैं कौन में नजर आ चुकी अभिनेत्री रेणुका ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर रखा है और इन्होंने साल 2011 में आशुतोष राणा के साथ विवाह किया था। लिस्ट में अगले आती हैं पूजा बत्रा और नवाब शाह। नवाब शाह एक जाने माने अभिनेता हैं और इन्होंने भी लोगों का दिल अपने नेगेटिव किरदारों से जीत रखा है। नवाब शाह ने अभिनेत्री पूजा बत्रा से शादी की है। इन्होंने कुछ साल पहले ही विवाह किया था। पूजा बत्रा 90 के दशक की फेमस अभिनेत्री हुआ करती थी। लिस्ट में अगले आते हैं पोनी वर्मा और प्रकाश राज। पोनी वर्मा एक कोरियोग्राफर हैं और इन्होंने साल 2010 में प्रकाश राज से शादी की थी। प्रकाश राज ने बॉलीवुड के अलावा साउथ की फिल्मों में भी काम कर रखा है। ये सिंघम, वांटेड, दबंग 2 सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।